नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं माई स्मार्ट सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हाल ही में संजू मूवी रिलीज हुई है जो कि संजय दत्त की रियल लाइफ के ऊपर बायोपिक बनाई गई है। काफ़ी अच्छी मूवी है, बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी धूम मचा रखा है। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी हो गई कि ये मूवी जो है इंटरनेट पर भी वायरल हो रही है ऑनलाइन, जैसे कि यहाँ पर यू टोरेंट वगैरह पर सुनने में आ रहा है इसकी HD क्वालिटीज़ में वीडियो लीक कर दी गई है पूरी जो 2.5 घंटे की मूवी है। साथ में फेसबुक पर भी और अदर सोशल साइट्स पर भी ये 2.5 घंटे की पूरी मूवी लीक हो चुकी है। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को पता नहीं है लोग क्या कर रहे हैं कि मूवी की कॉपी ले रहे हैं, जो भी ये डाउनलोड करके इंटरनेट से इसे शेयर करते जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से इलीगल होता है। तो इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर ये इलीगल वीडियोज़ या फिर ये पायरेटेड वीडियोज़, पायरेटेड मूवीज़ होता क्या है और इस पर किस तरह के लॉज हैं हमारे इंडिया में, इस पर क्या आपको सजा या जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि पायरेसी होती क्या है। पायरेसी यानी कि पायरेटेड मूवी, यानी कि अगर जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर है वो मूवी बनाता है अपने प्रोडक्शन से, तो उसकी बिना अनुमति के हम लोग उसकी उस चीज़ को लेकर हम लोग अपने फेसबुक पर, यूट्यूब पर या किसी वेबसाइट पर ऑनलाइन हम उसे डाउनलोड करके या कहीं से लेकर उसे हम उसके ऑनर की बिना परमिशन के शेयर कर देते हैं अपने फेसबुक या कहीं पर हम उसे अपलोड कर देते हैं ताकि कुछ हमें लाइक्स मिल जाए, कुछ सब्सक्राइबर मिल जाए, जो कि पूरी तरह से गलत होता है। ये पायरेटेड मूवीज़ को इस तरह अपलोड नहीं करना चाहिए विदाउट ऑनर के परमिशन के। इसके काफ़ी रूल्स भी हैं इंडिया में दोस्तों, आपको कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत इसमें काफ़ी सजाएं भी दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है, जेल हो सकती है, साथ में 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना भी आपको भरना पड़ सकता है। तो सिर्फ एक सिंगल मूवी से आप कोई मूवी ऐसे डाउनलोड करके इंटरनेट से बिना उसकी परमिशन के ऑनर के आप उसे शेयर कर देते हैं तो भी आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है और जेल की सजा हो सकती है, क्योंकि पायरेसी एक अपराध है। इसलिए सोच समझ के इसको शेयर कीजिए, कोई भी चीज़ इंटरनेट से आप देखते हैं, डाउनलोड करते हैं, क्योंकि विदाउट ऑनर की परमिशन के करना गलत होता है। सीधी सी बात है, उसने बनाया उसका कंटेंट है तो हमें बिना पूछे इसे शेयर नहीं करना चाहिए। बट लोगों ने क्या किया, फटाफट धड़ाधड़ लोग ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैंने तो डाउनलोड कर लिया, कौन देखने वाला, बट ऐसा कुछ नहीं है। साइबर क्राइम जो होता है, साइबर सेल जो होता है, वो ऑटोमेटिकली आपको सिंपली वो पकड़ लेंगे, क्योंकि आपके सिस्टम से जो आपका IP एड्रेस होता है ऑटोमेटिकली उनको पता चल जाएगा चेक करते ही कि इस सिस्टम से, ये मशीन से, इस लोकेशन से ये वीडियो यहाँ पर अपलोड किया गया है, और इजिली पुलिस आपको पकड़ सकती है। तो इस तरह नॉर्मल सी यही बात है कि इस तरह की जो भी मूवीज आती हैं, सिर्फ संजू मूवी की बात नहीं हो रही है, इन फ्यूचर जो भी नई मूवीज आती हैं या कुछ भी आती हैं ऐसी मूवीज़ वीडियोज जो आपके नहीं हैं, आपके कंटेंट नहीं, आपने इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं, तो विदाउट ऑनर की परमिशन के उसे आप फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर या अपनी किसी वेबसाइट पर शेयर मत कीजिए। हाँ, ये इलीगल नहीं है कि आप डाउनलोड करके देख नहीं सकते, आप देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसे शेयर मत कीजिए। शेयर करना भी एक तरह का जुल्म है, गुनाह है, तो उसमें आप फंस सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का यही मकसद था कि जो पायरेटेड मूवीज़ हैं आप समझ गए होंगे क्या होती हैं, दूसरे की चीज़ें होती हैं, उसे बिना परमिशन ऑनर के नहीं शेयर करना है, नहीं उसे कहीं अपलोड करना है। तो मेरा यही बताने का मतलब था कि आप अगर देखना चाहते हैं तो देखिए, कोई बात नहीं, बट उसे शेयर मत करिए, थोड़ा सा स्मार्ट बन जाए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि पायरेटेड मूवीज़ होती क्या है और इसकी क्या हमारे संविधान में नियम कायदे हैं, क्या सजा है, क्या जुर्माना है। तो इस तरह आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ गए होंगे और आप भी एक स्मार्ट यूज़र बन जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो को प्लीज़ और भी अपने दोस्तों को सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके और भी स्मार्ट बन सके। तो फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्मार्ट रहिए और इस तरह की नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।